नमस्कार दोस्तों, ये है कि हम जिला जालौन से हैं, उत्तर प्रदेश से। इस समय जरा हम लोग घूमने आए थे। गोरखपुर के आगे है गांव, वहीं यहाँ हम लोग रह के कुछ काम करते हैं। तो दो तीन दिन से बारिश, मतलब बारिश का मौसम था आज, लेकिन बारिश हुआ है। सुबह से ही बारिश हुआ है, कल थोड़ा बहुत हुआ था शाम आम को, आज सुबह से ही यहाँ थोड़ा बारिश हुआ है। तो हम यहाँ काम करते हैं, वो पानी पूरी जो होता है वो बना के गांव में बेचते हैं घूम के। तो यहाँ कहा है कि आज बारिश शुरू सुबह से ही होने लगा है, आज कुछ काम धाम नहीं है, तो आज नहीं जा पाए हम दुकान लगाने। हो सकता है कि आज दुकान भी ना लगे, क्योंकि अभी तक मौसम साफ नहीं हुआ है, बहुत बारिश हो रही है। बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, अकेले थे। एक छोटा भाई है, मनीष नाम है जिसका, वो भी कुछ दिन से साथ छोड़ के चला गया, हमारे पास नहीं रहता है, तो हम अकेले से हो गए हैं। एक यहाँ रूम लिए हैं, बड़ा पूरा मकान है, तो 2200-2300 रुपये भाड़ा देते हैं उसका। अकेले हैं तो मन नहीं लग रहा है बिल्कुल, पता नहीं का है। पहले हम दो भाई रहते थे मिलके, काम माल बनाते थे, अच्छा लगता था, घूमते फिरते थे, अपने माल बना लेते। अब अकेले हो गए, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इसीलिए हमने कम से कम लगभग हम अभी अपने जिला जालौन वापस चले गए थे, तो उधर से फिर से हम आए हैं 23 तारीख को फिर से हम आए हैं यहाँ। तो दुकान नहीं लगा है और हम खाली बैठे ही हैं बस, क्योंकि मन नहीं लग रहा है। एक अपने पास मारुति गाड़ी है, ओमनी मारुति, तो लगभग हम उससे दो दिन बिसरता का सामान बेचने गए थे, तो एक दिन 500 रुपये का बिक्री हुआ, एक दिन मात्र 100 रुपये का बिक्री हुआ, इसके अलावा बिक्री नहीं हुआ। काम ही नहीं चल रहा है, बरसात है, तो सोचते हैं कि हम वापस अपने गाँव चले जाएँ, क्योंकि अकेले ये सब काम है जो अकेले नहीं होते हैं। जब तक दो तीन लोग ना हो तब तक ये काम नहीं होते हैं। और हमने वीडियो में बनाया बताया था कि हमारे भांजे आए थे और एक भाने दमान थे, दो लोग थे, वो दो लोग मात्र 3 दिन ही ठेला लगाए हैं, उसके बाद में वो लोग चले गए घर। फिर से हम अकेले हो गए, हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, सब देखना है, लेकिन इसीलिए मन नहीं लग रहा है। तो सोच रहे हैं कि अपने घर जाएं, झांसी वापस चले जाएं, वहाँ कुछ जो हम पहले काम करते थे, गाड़ी आड़ी वगैरह कुछ भी हो अपना चलाएंगे, वहाँ कम से कम भाड़ा तो नहीं लगेगा और हम लोग आराम से रहेंगे। घर परिवार रिश्तेदार हैं सब, वहाँ सब कुछ है, यहाँ एकदम फ्री है, कहीं कोई कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो 23/7/2023 को हम यहाँ आए थे, जब से लगभग आज देखिए 9 तारीख है, तो हमको लगता है कि 15-16 दिन हो गया है। हमने कुछ काम धाम नहीं किया है, मैं 3-4 दिन ठेले लगाए थे, उसके बाद फ्री बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। कभी कभी बारिश भी हो जाता है, शाम के टाइम होता है, सुबह नहीं तो शाम को होता है। अब तो देखिए सुबह से ही बारिश होने लगा है, चलिए आपको बारिश दिखा देते हैं। देखिए बारिश हो रहा है, हम छत पे हैं, सुबह कभी कभी बारिश होने लगता है, क्या करें, गरीबी बहुत बुरी चीज है साहब। ये गरीबी इंसान को पता नहीं क्या से क्या करवाती है, क्या करने पे मजबूर कर देती है। मेरी साला मेरे पिताजी थे, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक पिता ही एक ऐसे हैं जो जब तक रहते हैं जब तक किसी को कोई बात का एहसास ही नहीं होने देते। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए 2018 में, तब से हमें एहसास हुआ है कि हाँ कहाँ क्या होता है। फिलहाल में मेहनत तो हम छोटे से ही किए हैं, हम 12-13 साल के थे, इस समय तो हम 40-45 साल के आसपास हो गए हैं, 40 साल के हम 12-13 साल के थे, तब से ही मेहनत कर रहे हैं अपने। गरीब हैं हम लोग, गरीब परिस्थिति से जिए जिए हैं,
जी रहे हैं और जिए, पहले भी जिए और अभी भी जी रहे हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे नहीं बहुत बड़े लखपति हैं या कोई हैं, बस अपना ऐसे ही खाना पीना चलता रहता है, कहीं कुछ किए कहीं कुछ काम किए, कहीं मोहन मेहनत मजदूरी किए कहीं कुछ किए, बस इसी से ही गुजारा चलता है। अब 2-3 दिन आज खुद सुबह से बारिश हो रहा है, देखिए काम तो हो नहीं पाएगा हमारा, सोचा फ्री बैठे हैं थोड़ा सा अपनी दिल की बात कह लें आप लोगों से, और तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और थोड़ा सा मुझे मेरा सपोर्ट करें, मुझे बहुत शौक है और कुछ नहीं है दोस्तों। बस जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।